रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये आप मुर्गी देख सकते हैं और ये गुड़ देख सकते हैं। ये जो है ना, आज इनकी डिवॉर्मिंग करनी है, पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इनको भूखा रखना है, कुछ दाना वगैरह नहीं देना, ना ही कोई रोटी वगैरह डाल दिए। इनके इनका पेट जितना खाली होगा उतने अच्छी इनकी डिवॉर्मिंग होगी। और ये जो है ना, ये खाली बर्तन पड़े हैं जिसमें इनको पानी डाल के दूंगा मैं, और ये चूजे हैं, ठीक हो गया। और सबसे पहले तो मैं ये जो है इनको गुड़ खिला देता हूँ बड़ों को। ये देखें जी, ये गुड़ है, ठीक है। ये इनको देना है सबसे पहले, ये देखें, ये आपके सामने माशाल्लाह ये खा गए हैं, और ये देखें, ठीक है, ये खा जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये गुड़ खुद खा जाते हैं, और अगर नहीं खुद खा सकते तो आपने इनको लाजमी इनके मुँह में थोड़ी सी इतने छोटे छोटे पीस डाल देने हैं, दो तीन डालते हैं काफ़ी है। अच्छा, ये क्यों डालते हैं मैं आपको एंड पे जाकर सारा कुछ बताऊंगा। और ये देखें, ये इतना इनको गुड़ काफ़ी है, अभी बाकी मैं और भी डाल दूँगा जो बच जाएगा। ये देखें, ये है गुड़, और ये रहे चूज़े असील वाले जिनका मैंने इलाज करना था। और ये देखें, ये देखें सही है, ये अभी ये खा लेंगे जितना भी इन्होंने खाना होगा, और फिर उसके बाद मैं प्रोसेस शुरू करूँगा जो आपको मैं बताऊँगा। बहुत शदीद गर्मी है व्यूअर्स, और इस शदीद गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ये खा लेंगे, इसके बाद मैं जितना बचेगा मैं उनको दे दूंगा। पानी वगैरह इनके आगे से उठा लिए, दाना वगैरह भी उठा लिए, कुछ भी इनको देना, ये इतना बच गया ये मैं इनको देने लगा। ये वीवर से मैंने इनको डाल दिया, ठीक है, और अब मैं इनको 10-15 मिनट बाद दवाई दूँगा। ये बर्तन में ले के जा रहा हूँ वीवर। ये देखें, ये जो ये 3 लीटर वाला पानी है, ठीक है, 3 लीटर का ये मतलब के बोतल है। ये इतना पानी डाल के, ये है जेंटल अल्बेंडाजोल, ठीक है, ये आपको 30 रुपये की मिल जाएगी आराम से, एक्सपायरी आपने देख लेनी है। ये आपको आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी आराम से, ठीक है। ये सस्पेंशन है, और ये जो है, ठीक है, आपने सील देख लेना इसकी अच्छी तरीके से, ये सील आपने देख के, अगर सील खुली हुई है तो फिर आपने नहीं लेनी। और अब मैं ये इसके अंदर डालने लगा हूँ, ये मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर, ठीक है, अच्छी तरह आपने इसके अंदर डाल के हिलाना है, बल्कि आपने हिला के ही डालना है, और इसके अंदर ये जमा हुआ होता है, तो ये आपने कोशिश करना है कि ये निकाल के, कोशिश आपने ये करनी है कि किसी भी तरीके से ये सही तरह करके निकाल के, तो फिर आपने ये पूरी की पूरी जो ये 10 ml होता है, ठीक है, ये 10 का 10 ml मैंने इसमें डाल दिया जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैंने किस तरह बनाया है जेंटल, मैंने इनको ये देखें, गुड़ थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये भी खा लेंगे, और जितना इन्होंने खाना था वो खा लिया जी। जितना ये खाली पेट होंगे उतनी अच्छी इनकी डिवॉर्मिंग होगी, डिवॉर्मिंग तब करते हैं जब इनके पेट में कीड़े हो जाए, पेट में कीड़े तब बनते हैं जब ये मिट्टी वाला पानी पीते हैं या मिट्टी खाते हैं, और जब ये मिट्टी वाला बाहर वगैरह जाना वगैरह खाते हैं तब इसलिए इनके पेट में कीड़े बन जाते हैं, और जो कीड़े होते हैं वो इनके खून चूसते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं गर्मी में हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं अब इनको ये जल्दी से रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने ये इंटर लगानी है, और मैं फिर ये रखूँगा। ये देखें जी, मैंने ये इंटर लगा के सेट कर दिया, अब ये पीते रहेंगे 3-4 घंटे तकरीबन, पानी पीते रहेंगे, मैं इनको कुछ भी नहीं डालूंगा, जब डालूंगा तो फिर नरम गिरा दूंगा, जैसे रोटी होगी, जैसे पराठा होगा, जैसे कोई इस तरह की चीज़ होगी, दाना वगैरह नहीं डालूंगा। और ये मैंने मुर्गियों में पानी रख दिया, मैं बता दूँ क्या करना, इनको मिट्टी से निकालना है ताकि ये जो मिट्टी में जो चीज़ें मिलती हैं वो खा जाते हैं, और ये मैं बंद कर दूँगा दरवाज़ा। चलो बच्चे बाहर निकलो, डिवॉर्मिंग करवाओ, नहीं चलो चलो चलो, हाय गंदे
मिट्टी फेंक के गए मेरे पे। चले ये देखें, ये दरवाज़ा हो गया बंद, और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ये केज में बंद कर दें आप, ताकि ये जगह जगह बीठे ना करें। जब ये देखें ये इस तरह की बीठे करते हैं ना, ये लाल रंग आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये असल में लाल रंग जो है ना ये होता है कीड़ों का, ये भी खून चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, ये इनका खून चूस चूस के रेड हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये बीट करते हैं, जोर लगाते हैं, फिर ये बाहर भी आ जाते हैं। इस सुंडियाँ सी होती हैं, छोटी छोटी सी, मोटी सी, और ये जो है खून चूसने वाले। और दूसरे एक होते हैं जो टेप वाम होते हैं, वो लंबे लंबे से होते हैं, वो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं। दोनों जो है ना ये इनके ताकत में कमी करते हैं, खून चूसते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैंने आपके सारे तरीका बता दिया, कोशिश करें कि फुल साफ़ सुथरे बर्तन हो, अच्छी तरह साफ़ सुथरे किए हों, और उसमें दवाई दें आप, ठीक है। ये 2.5 लीटर पानी में मैंने पूरा 10 ml का एल्बेंडाजोल मिला दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी डिबॉमिंग हो जाएगी। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए जो मैंने आज किया है, और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब भी मैंने इनकी डिबॉमिंग की है तो इंशाल्लाह उसके बाद इनकी ग्रोथ अच्छी निकल आएगी। और ये जो इनकी सिप निकली हुई होती है, सीने की हड्डी निकली होती है, जैसे कि इन चूज़ों की निकली हुई है, तो ये इंशाल्लाह अंदर चली जाएगी जब मैं इसकी डिबॉमिंग कर जाऊँगा। तो जब इनकी डिबॉमिंग कम होगी, तकरीबन 4 ही घंटे ये पानी पीते रहेंगे, 4-5 घंटे, उसके बाद मैं इनको नरम रोटी दूंगा। खास तौर पर याद रखना कि इनका पोटा बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना याद से, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी और का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।